हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मोना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत पहले का है। आई थिंक ये 13 नवंबर का है और आज ये मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूं, क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं था मेरे पास, और एडिटिंग करना में थोड़ा इसका टफ था। छोटी छोटी क्लिप थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था, इसलिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया। मैंने कहा बाद में करूँगी। और ये मेरे गांव का ससुराल है। ससुराल में गई थी अभी छठ पूजा में, दिवाली के टाइम, तब का है। और ये है मेरी ननद जो कि पटना में रहती हैं और आई हुई हैं, और आज है उनके बेटे का बर्थडे, तो उसी की तैयारी चल रही है। यहाँ पे आज मैं बनाऊंगी मटन, मटर पनीर, पूड़ी, पुलाव। मटर पनीर हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि सब लोग हमारे घर में नॉनवेज खाते हैं, तो मटन तो ऑलरेडी बना ही रहते हैं। और यहाँ पे खीर भी बना रही हूँ मैं, क्योंकि कुछ मीठा भी ज़रूरी होता है। और तो मम्मी कार्तिक के महीने में नॉनवेज नहीं खाती हैं, तो मम्मी के लिए मटर पनीर बना रहे थे, और मैं, दीदी और मेरे हस्बैंड, और जो दीदी के बउआ हैं, मतलब उनका नाम राहुल है, मैं लेकिन शुरू से बउआ बउआ बोलते हैं, तो मैं बउआ ही मेरे मुँह से निकलता है, तो वो भी मटन खाते हैं। तो हमारे घर में लगभग सारे नॉन वेजिटेरियन हैं। ऐसा कुछ नहीं कि अलग बनाने की ज़रूरत पड़ती है, बट हाँ, आज मम्मी नहीं खाएंगी तो मम्मी के लिए बना रही। और यहाँ पे हम कुछ बहुत गहरी डिस्कशन कर रहे हैं, और मैं वीडियो मांग रही थी एक्चुअली। जो दीदी का बाबू है, बुआ है, उनका फ़ोन में काफ़ी वीडियोज़ थे मेरे, तो मैं वही बोल रही थी कि बाबू दे दीजिएगा मुझे। तो वही मेरे हस्बैंड बोलते कि अभी ले लो, फिर मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि इस वाली कढ़ाई में, कढ़ाई से मुझे पता चला। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किचन में खाना क्यों नहीं बना रही हूँ, तो किचन में खाना इसलिए नहीं बना रही क्योंकि नॉनवेज हमारे किचन में नहीं बनता है, ये जो आंगन है उसमें बनता है। तो मैं सोच रही हूँ कि बैठ के जब बनाई हूँ तो मटर पनीर भी यहीं बना लूँ। और मैं बउआ से बनवा रही हूँ मुझे, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटन। और ऐसा कुछ नहीं हमारे मुँह में कि ज़्यादा छुआछूत नहीं होता, बट हाँ, गैस हमारा उन्होंने हो नहीं रखा है उसका, मटन चिकन का, नॉन वेजिटेरियन का। तो हम यहाँ पे बनाते हैं, और यहाँ बैठ के मुझे बहुत मज़ा आता है बनाने में। मुझे कितना भी बनवा लो यहाँ पे बैठा के, मैं आराम से बैठ के सच में अच्छा लगता है। चूल्हा वूल्हा पे तो नहीं, हम लोग गैस ही बाहर के लिए हमें छोटा गैस रखा हुआ है, और अंदर किचन के लिए जो बड़ा वाला गैस है उसे रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए चल रही है बर्थडे की तैयारी, और आज फुल इंजॉय कर रहे हैं। मम्मी यहाँ पे लेटी हुई हैं। मैंने बड़ों से बोला था कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर दीजिए, क्योंकि मैं उधर में थोड़ा कुकिंग कर रही थी, काम कर रही थी, काम में इतना इधर भी देख लो ये रूम की हालत, क्योंकि आज से छोटा बच्चा है। और जितने दिन भी मैं गाँव में रही हूँ, मैं एक दिन भी सुबह से शाम तक गांव घर में नहीं रही हूँ, कभी कोई काम, कभी कोई काम, क्योंकि हम गांव गए तो हमें 4 साल बाद हम गांव गए थे, तो 4 साल बाद, और वहाँ की हालत इतनी बेकार हो रखी थी कि मैं बता नहीं सकती। आप ये सोचिए कि 4 साल अगर घर बंद रहेगा तो क्या कंडीशन होगी गांव की। तो चूहों ने जो आतंक मचाया हुआ था, और हमारा फ्रिज, एसी, फिल्टर सब कुछ ख़राब था, तो सबको ठीक करवाना पड़ा, एक एक चीज़ ठीक करवाना पड़ा। फ्रिज हमारी कूलिंग ही नहीं कर रही थी। तो ये है मेरा रूम जिसमें मैं रहती हूँ, और आरुष यहाँ पे हैं, दूध पी रहे हैं। और एक और रूम है हमारा, 3 रूम है, लेटरिन, बाथरूम और छत। काफ़ी मैं अब नेक्स्ट टाइम कभी जाऊँगी तो मैं अच्छे से आप लोगों को दिखाऊँगी। और यहाँ पे देखिए केक कट गया है, और केक पे इतनी बड़ी गलती हुई मुझसे जब उसने केक दिया। देखिए मेरे हस्बैंड उसको साइड से चेहरे रख रहे, जब नीचे हटा उसने केक मुझे दिया, तो मैंने पता नहीं क्या सोच के उसे केक को पॉलिथीन को बहुत बुरी तरीके से हिला दिया, ताकि केक का डब्बा अंदर चला जाए। मुझे ये इतना ध्यान नहीं था कि इसके अंदर केक है, वो ख़राब भी हो सकता है, और ख़राब हो गया था। राहुल का आर जो है वो साइड में आ गया था, तो उसने एक फ्लावर बना दिया और उसे ठीक कर दिया। और ये मेरी ननद, और ये साड़ी आप लोगों को जाने पहचाने लग रही होगी, तो मैंने बहुत फोर्स किया कि ये साड़ी पहने। पहले उन्होंने बोलते कि मुझे ब्लाउज नहीं आएगा, लेकिन मैंने कहा एक बार ट्राई करके देखिए, आ जाएगा। तो मेरे कहने पर उन्होंने साड़ी डाल लिया है, और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। ये साड़ी मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मुझे जब भी कोई कुछ भी पहनने बोलता मैं यही साड़ी पहन लेती, क्योंकि इतनी हल्की है, पहनने में बहुत अच्छी लगती है साड़ी। तो यहाँ पे आरुष इतना एक्साइटेड है, उसे ऐसा लग रहा है मेरा बर्थडे है और मुझे ही केक काटना है, तो बहुत ज़्यादा खुश है। और होता है ना, बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, कितने एक्साइटेड होते हैं और केक के लिए। और मम्मी यहाँ पे, मैंने बोला था कि प्लेट में तिलक और चावल वगैरह ला दें, तो वही ला रहे हैं।
मेरे हस्बैंड माचिस लेके आ रहे हैं और इनका बर्थडे मैं फर्स्ट टाइम ही सेलिब्रेट कर रही हूँ। मुझे देखो मैंने बेटा, कभी नहीं सेलिब्रेट कैमरे किया में है देखो, और बताओ केक गांव प्लीज में किसी का बर्थडे मैं पहली बार सेलिब्रेट कर रही हूँ। गांव में मैं ज़्यादा रही नहीं हूँ, 1-1.5 साल अंतिम रही होंगी तो रही होंगी, वरना मैं नहीं, बहुत कम रही हूँ घर में, मतलब ससुराल अपने, क्योंकि फिर हस्बैंड के साथ बाहर ही रहना हो गया तो बाहर ही रहती चली गई मैं। तो ये इस घर में अपनेपन की फीलिंग आती है। शादी करके मैं सबसे पहले यहीं पे आई थी, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, इतने दिन बाद जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए एंजॉय करिए, देखिए हम लोगों की मस्ती। अभी जलने तो दे पहले। जय दीदी को जय, मगर से बनाई मैं पैक कर। तो यहाँ पे आ गई है केक कटिंग की बारी। तो सबसे पहले मम्मी मुझे भी बोल रही थी कि जाने के लिए, मैंने कहा आरुष है वहाँ पे केक काटने के लिए क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वही था और वो कैंडल जलने ही नहीं दे रहा था। देखिए वो हंस रहा है पहले से ही, वो ताक में बैठा हुआ था कि जैसे कैंडल जलेगी और मैं फूंक दूंगा। और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि बच्चों को कैंडल बुझाने का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, बट उसकी शक्ल देखिए आप। और अभी तो सबसे पहले देखिए उसको, देखिए वो बुझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है, वो जलने ही नहीं दे रहा। मेरे हस्बैंड जला रहे हैं, उसके पापा बार बार जला रहे हैं और वो बार बार बुझा दे रहा है। तो एक हो जाता है ना कि बच्चे की वजह से माहौल इतना अच्छा हो जाता है, हमारे घर का माहौल थोड़ा सा सैड मोमेंट आ जाती हैं कुछ चीज़ों के लिए। मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी कि ये मेरी फैमिली है ससुराल की, ये मम्मी है, ये मेरी ननद है, मेरे हस्बैंड है, उनका एक बेटा है, इनके हस्बैंड नहीं हैं। मैं बाद में अगर देखूंगी, अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो करूंगी, वरना फिर ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, वो अपने बेटे के साथ खुश हैं और भगवान से मैं यही दुआ करती हूँ कि वो अपने बेटे के साथ बहुत खुश रहें, क्योंकि क्या बोल सकते हैं, अब कुछ बोल ही नहीं सकते हैं इसके आगे। और मेरे ससुर, तो आपको भी पता है कि मेरे ससुर भी नहीं हैं, मेरी मम्मी भी खुद की जो हैं वो नहीं हैं। भगवान हम लोगों के साथ ही बहुत अन्याय करता है, बट क्या करें, बस मुझे ऐसा लगता है कि हम ही मिलते हैं उन्हें। तो थोड़ा सा मोमेंट माहौल तो सैड हो गया था, उसके बाद हम लोगों ने कवर कर लिया उसको, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, बच्चे का बर्थडे है, उनको भी नहीं फील होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ, किसी चीज़ का फील नहीं होना चाहिए। तो हमें लग रहा था कि हम जो भी कमी हो हम लोग पूरी करें, उनको किसी चीज़ की कमी फील ना हो कि हाँ। तो बस यहाँ पे मैं उनको तिलक कर रही हूँ और इसके बाद अब आरुष का बर्थडे है तो यहाँ नहीं, दिल्ली में ही सेलिब्रेट करेंगे। तो देखिए उसमें क्या करते हैं। और छठ का भी वीडियो मेरे पास रखा हुआ है, दीदी ने मैं छठ किया था तो उसका भी वीडियो है। मैं इतनी आलसी हो गई कि वीडियो डालने का मेरा मन नहीं होता है, एडिटिंग करने में मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। और आरुष को ऐसा फील हो रहा है कि मेरा ही बर्थडे है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। देखिए वो चावल उठा के केक पे डाल रहा है। God bless you. और आगे lots of chocolate. Happy birthday to you. Clapping, clapping, clapping. Yay! Yay! खिलाइए पहले भैया को, खिलाइए हाथ से लेके खिला दो भैया को, हाथ से लो और भैया को खिलाओ, हैंड से बाबू। मेरा बच्चा कितने देर तक वेट किया, खिलाई दीदी खिलाई ना वो को, अरे बहू को खिलाई ना पहले, हाँ खिलाई, हाँ खिलाई ना,
अरे बहुत खिलाओ जरा। अच्छा उधर देखो, आरुष को, आरुष बेटा उसको तो जरूरत नहीं है, चार बार खिलाओ, चार बार पोटो। अरे वाह, खिलाई मम्मी। मेरे को किस तुम लगा सकता है, मेरा पार्टी तो है। अरे आरुष को तो देखिए, खा लो बेटा, खा लो, खा लो, खा लो आरुष। छोड़ देना, छोड़ देना, तो चाकू से। उधर देखो, उधर देखो, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? ये लो ऐसी फट बनता है, ऐसी होता है, ऐसी फट बनता है। उधर देखो, बोल दो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।